क्या है ना कि कभी भी आप जब एक्सरसाइज करते हो ना, तो उससे पहले आप अपना योगा कर लो, ठीक है। और योगा करने से पहले यहाँ एक मैट बिछा लो। मैट बिछाने से ये होता है कि आपके बॉडी के जो एनर्जी होते हैं वो अर्थ में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है। आपकी जो बॉडी के एनर्जी होते हैं वो मैट बिछाने से अर्थ में ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जी आपके अंदर ही होगी। और मैं महादेव का शिव कुंडली योग जानता हूँ, ठीक है। वो जो मैं ऐसे से करता हूँ हाथों से, ठीक है, वो आप यूट्यूब से भी देख के सीख सकते हो, या किसी जैसा ऐसा जगह जहाँ पे योगा सिखाया जाता है वहाँ भी जाके सीख सकते हो, ठीक है। अभी योगा करेंगे, ठीक है। आज मैं योगा का पूरा फुटेज बना के डाल दूंगा, ठीक है। और मैं लैंडस्केप मूड में डालूंगा, मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बहुत लोग जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, लैंडस्केप मतलब ऐसे और पोर्ट्रेट मतलब ऐसे, ठीक है। जब आप रील शॉट बनाते हो तो वीडियो ऐसे बनाते हो फ्रंट, और जब आप फुल वीडियो बनाते हो 16:9 तो आपका लैंडस्केप में होता है, ठीक है, 16:9। तो अभी हम योगा करेंगे, ठीक है। और आज का फुल वीडियो नहीं डालने का रीज़न ये है कि मैं शॉर्ट्स में अपने सारे डाल ही दूंगा 93 डे के शॉर्ट में, तो इसलिए मैं नहीं डालना चाहता। मैं बस चाहता था कि मैं चेस्ट वर्कआउट का मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने चेस्ट कैसे शेप में लाया है, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सुबह का वर्कआउट दिखा दूंगा पार्क में ले जाके, ठीक है। अभी बहुत ठंड है बाहर, देख सकते हो, ठीक है। तो चेस्ट का मेरे पास कोई फुल वीडियो नहीं था वर्कआउट का, तो वो आज मैं दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं चेस्ट का कर दूँगा। और ये फिर से रिपीट कर दूँ कि ये वीडियो कल कंटिन्यू होगा। देखो, आप लोग में से जिनको ज़रूरत ना हो वीडियो ना, वो आप किसी और को शेयर कर सकते हो, ठीक है। और मैं 150 डेज तक जाने वाला हूँ। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, आज ये अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब योगा शुरू करते हैं। जब भी आप लोग योगा करते हो ना, उससे पहले मसल को फ्लैक्स कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब भी योगा करते हो मसल को फ्लैक्स कर लेना ज़रूरी है, सारे मसल को इस तरह से करना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं करोगे तो आपके नुकसान होंगे, क्योंकि आपके मसल अगर नहीं है और अपने कमर को, अपने पैर को, ये सब को ऐसे कर लेना ज़रूरी है इस तरह से, ठीक है। कोशिश करो कि जितना हो सके उतना बॉडी पार्ट को किया जाए, ठीक है। ये सब योग है, ठीक है। अपने शोल्डर को भी मूव करना जरूरी होता है, ठीक है। नेक, बहुत सारे लोग नेक एक्सरसाइज नहीं करते, नेक एक्सरसाइज किया करो। पता ना कि मैं कैसे अपने हैंड पे स्टैंड करता हूँ, तो उसको बता दूँ। उसके लिए आपका पॉज का, आपके हाथों का मजबूत होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपके हाथ मजबूत नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉब्लम यह ना कि अभी सनलाइट अभी ठीक से आया नहीं, क्योंकि अभी 7 बज रहा है, 7:02 हो रहा है, और ठंड में लाइट लेट से आता है, इसलिए अगर लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माफ़ करता हूँ, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं पैर पे कैसे मोड़ कर और इस पर ऐसे स्टैंड करता हूँ। पहला पैर ऐसे, दूसरा इसके ऊपर, ठीक है, और इनके ऊपर, इसके ऊपर।
जो भी मैं मुद्रा किया उसका आप एक्सरसाइज करो, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सब्सक्राइब के लिए, मेरे 120 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मैंने लास्ट जो देखा था उसके हिसाब से। तो अभी जा रहे हैं पार्क, वहीं कंटिन्यू करेंगे, चलते हैं। योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, पार्क चलते हैं, वहाँ पे चेस्ट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सेव इलेक्ट्रिसिटी। क्या गिरा नहीं करते करते आदमी थक जाता है, ठीक है। थक गया है, इंदिरा की दुकान में बैठने का। और जिन लोग के चेस्ट लोअर चेस्ट आउट ऑफ शेप है ना, उनको मैं अपना चेस्ट दिखाने से, तो जिन लोगों ने सेल्फी रोज का देखा है उन लोगों को तो पता ही है। तो जब थक जाओ तो थोड़ा देर बैठ जाया करो, ठीक है। और यहाँ तो वीडियो फुटेज बनाते हैं इसलिए बैठ गया, ठीक है। यहाँ कोई अभी है नहीं सुबह सुबह। चेस्ट का अगर फैट डाउन करना है तो उसकी साइजेस कम है, उसका सबसे ज़्यादा मेन आपका बॉडी ओवरऑल वेट पे ऊपर है, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको बॉडी का फैट डाउन करना है, ठीक है, फिर चेस्ट फैट का भी, तो चेस्ट फैट डाउन करने के लिए आपको अपना डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। 40% आपका एक्सरसाइज है, 60% डाइट है, ठीक है। तो ये है कि एक्सरसाइजेस से ज़्यादा डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। कार्ब्स का इंटेक कम कीजिए, शुगर उगर कम कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉडी जो फैट में है वो इस्तेमाल होगा तभी आपके चेस्ट फैट भी घटेंगे। ऐसे चेस्ट फैट घटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डाइट पे ध्यान दो और एक्सरसाइजेस में इंक्लाइन पुशअप करो, सपाटा करो, और सबसे बेस्ट तो रनिंग है। जितना ज़्यादा रनिंग कर सकते हो करो, स्प्रिंट करो। चेस्ट के फैट पूरे बॉडी के फैट के साथ ही घटता है। अभी पार्क में पहुँचने वाले हैं, ठीक है, वहीं पे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बाय गुरु। पार्क में एंटर हो गए, ठीक है। और अभी पहले तो पीटी करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर और सारा वर्कआउट करेंगे। और आज चेस्ट फैट घटाने का, चेस्ट के मेरे कोई वीडियो नहीं थे, फुल शॉर्ट्स तो थे बहुत सारे चेस्ट वर्कआउट करते हुए, लेकिन वीडियो नहीं थे, ठीक है। इसलिए चेस्ट वीडियो आज बनाएंगे, चेस्ट एक्सरसाइजेस के, कि कैसे चेस्ट को शेप में लाने का। मेरा चेस्ट बहुत ज़्यादा डाउन ऊपर लटक चुका था, ठीक है, मेरे 78 किलो वज़न थे आज से 90 दिन पहले, और अभी 74 किलो, 74.2 या 3 किलो अभी है, ठीक है। चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं, पहले पीटी फिर वार्म अप। पीटी में तो हो जाता है लेकिन चेस्ट का वार्म अप करेंगे, ठीक है, चलो। हेलो, बैक टू द मूवी, सॉरी मूवी नहीं है, वीडियो है, ठीक है। जो लोग एक्सरसाइज वर्कआउट शुरू करने से पहले पीटी और वार्म अप नहीं करते हैं ना, उनके बॉडी की क्लास लगनी ज़रूरी है, लगनी पक्की है, सॉरी जरूरी कह रहा हूँ, पक्की है। पीटी करना ज़रूरी है, ठीक है। पीटी का महत्व तो बहुत लोग नहीं समझते ना, पीटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीटी करोगे ना तो आपके मसल जितने हैं वो खुलेंगे, ठीक है, आपके जॉइंट में जो रात भर आप सोते हो या आपके अकड़न होते हैं वो खुलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बॉडी हीटअप होता है। बहुत लोग अपर बॉडी वार्म अप कर लेते हैं, लोअर बॉडी नहीं करता है। मैं अपर और लोअर दोनों करता हूँ, फ्रॉम द टिप ऑफ द हेड टू द डाउन टू द पॉइंट ऑफ द टो, हर जगह पे, ठीक है। जैसे भी मैं पीटी करने वाला हूँ, आप लोग देना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ तो उसके लिए माफ़ करना यार, ठीक है। वेट पहले, और डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जैसे भी देखो मैं कर रहा हूँ, पहले पैर को फ्लैक्स करना ज़रूरी है। मैं भोला पर्वत का रे तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। मैं भोला पर्वत का रे तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। किसे राजा ते गर्दन को मूव करना जरूरी है, पछतावेगी तेरी काया पड़ जा, काली रे याद मैल की आवेगी। मेरा कंबल तक का ब्योत नहीं जाटे, मैं ठर ठर कंबेगी। मैं 10 बार डंड बैठा, सो डंड बैठ करो, सिर्फ बैठ नॉर्मल, स्कर्ट को हट छोड़ देना गोरी मेरी रैन न गल्ला की। मैं जिंदगी
जिंदगी ना दे सकता तन्ने राजे छल्या की मैं भोला पर्वतकार है तू रानी छल्या। अपने टो पे वॉक करना बहुत जरूरी है ताकि आपके पावर बढ़े, ऐसा करके दिखा रहा हूँ। मैं अपने एक्सरसाइज में थोड़ा सा बॉक्सिंग का भी हल्का सा शुरुआत में ही प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है? वो मैं करके दिखाता हूँ। बहुत तो चाव तो कर सकते हो, लेकिन जिनको बॉक्सिंग आता है वही करें, ठीक है? नहीं आता और आप अचानक से करोगे तो आपके शोल्डर वोल्डर डिसलोकेट हो सकते हैं, ठीक है? जितना आप बॉक्सिंग को आसान समझते हो उतना आसान है नहीं मेरे भाई। तो करके दिखाता हूँ बॉक्सिंग। कल का वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें मैं शर्टलेस होकर बॉक्सिंग कर रहा था ठंड में 9 डिग्री सेल्सियस पे। मेरे भाग में लिखा काल कूट का जहर पड़ेगा पीना रे तू देख देख के रोएगी ओ जीना भी के जीना परिवार नहीं मेरा यारी भूतर बेला की क्यों छोड़ के आवे सुख छोरी तू रानी मैना की मैं भोला पर्वतकार तू रानी मेला की तेरी मेरी वीडियो है कंप्लीट, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया कि मैं चेस्ट का बताऊंगा, ठीक है? सुबह में पानी पी के आना जरूरी है और चेस्ट के फैट ऐसे नहीं घटते, आपके ओवरऑल बॉडी के साथ ही घटते। आज मेन फोकस चेस्ट पे, ठीक है? और मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि आज 90th day का वीडियो बस यहाँ एक्सरसाइज तक ही होगा, फिर ये टू बी कंटिन्यू होकर अगले दिन 91st day यानी 15 जनवरी को 91st day के दिन सकरात यानी मकर संक्रांति के दिन होएंगे, ठीक है? तो ये हो गया। अब जल्दी से ब्रेक 30-35 सेकंड कर लेके पुशअप मारेंगे। और पुशअप जब मैं मारूंगा नॉर्मल पुशअप चेस्ट वाला तो मैं एक लगातार मारते जाऊंगा नॉन स्टॉप। बता मेरा भाग कसुत्ता खोटा से मैं समझ सकूं सारी पीड़ा तेरे नैना की क्यों भाग्य बने इस जीवन में तू काली रहना की मैं भोला पर्वतकार तू रानीला की तेरी मेरी पार पड़ना। फास्ट पुशअप था, ठीक है? सबका चेस्ट बॉम हो जाएगा, मसल पे चेस्ट मसल पे ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है? इसलिए पहला पुशअप 40-42 का या कभी कभी 45 का लगातार कंटिन्यूसली मारता हूँ नॉन स्टॉप, ठीक है? रनिंग हो गई है कंप्लीट, ठीक है? लगभग 1 किलोमीटर भी पार्क के राउंड लगाए हैं, 300 मीटर का पार्क है, 3 राउंड यानी 900 और फिर 100 मीटर और दौड़े थे। जो लोग पानी नहीं पीते ना उन लोग से कहना है कि पानी पीते रहें, ठंड में बहुत लोग को पानी पीने की आदत नहीं होती है, पानी पीते रहें, ठीक है? देखो पानी पीकर ही आए हैं और पानी ज़्यादा नहीं, रनिंग के 30-40 सेकंड या 1 मिनट बाद आराम करने के बाद 50 ml तक पी सकते हो ताकि गला थोड़ा तरा रहे, ठीक है? और बॉडी से पानी एक बैग ज़्यादा निकलता है। तो मैं कह रहा था कि जिन स्टेजेस के मैं 16:9 वीडियो नहीं डाल पाऊँगा ना उनके मैं शॉट डाल दूँगा 9:16 के, ठीक है? यानी पोर्ट्रेट मोड के शॉट मैं डाल दूँगा। ठीक है, और एक चीज़ बता दूँ कि चेस्ट फैट बर्न करने के लिए ना 3-4 एक्सरसाइजेज ही हैं, ठीक है? एक आपका इंक्लाइन पुशअप है जो आपके बताया मैंने चेस्ट लाइन पे आना चाहिए, लोअर चेस्ट लाइन पे, ठीक है? दूसरा है सपाटा, तीसरा एक डंबल लेके आप ऐसे रेज कर सकते हो, ठीक है? लाइट वेट डंबल ले लो
7.5 किलो तक का, 5 से 7.5, और उससे आप जितना ज़्यादा रिप्स हो सके उतना ज़्यादा मारो, ठीक है। तो आपके फैट बर्न होंगे, लोअर चेस्ट फैट, और थोड़ा समय लगेंगे। और मेरे जो है लोअर चेस्ट फैट थे जो बहुत घट चुके हैं, अभी रनिंग वनिंग हो गया है, ठीक है। ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज ही घटेगा, ये मत सोचो कि सिर्फ चेस्ट के घटेंगे, ऐसा ना है। बॉडी के ओवरऑल वेट, बॉडी के फैट 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 घटते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी डाइट है, अगर आपका कार्ब इंटेक कम हो जाए, मिठाई उठाई आप खाना छोड़ दो, समोसा जलेबी चाट पापड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला, ठीक है, तो आपके चेस्ट फैट घटेंगे। चेस्ट के शेप में नहीं आने का एक और रीज़न है मेल बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल का बढ़ना। डे 66 से अभी तक मैंने एक दिन भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लिया, यानी दूध का बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है, ना दूध, ना घी, ना दही, ठीक है, ना मक्खन, ना लस्सी, कुछ भी नहीं, दूध का पनीर टोफू कुछ भी नहीं। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट या तो एग से, या तो दाल से यानी पल्सेस, राजमा से, इन सब चीज़ों से पूरी हो रही है, सत्तू से पूरी हो रही है, ठीक है, वो सब चीज़ें ले रहे हैं। अभी जूते का लेस खुल गया है, देखो दिखाता हूँ, दौड़ते दौड़ते दिख रहा है, इसको बांधते हैं, ठीक है। तो पीटी हो गया, रनिंग हो गया, फास्टेस्ट पुशअप हो गया नॉर्मल वाला, ठीक है, इंक्लाइन पुशअप हो गया है, जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा फास्ट पुशअप मारो, ठीक है, चेस्ट पुशअप, ठीक है, शोल्डर पुशअप नहीं, चेस्ट पुशअप, और जितना ज़्यादा रिप्स हो सके उतना ज़्यादा रिप्स करने की कोशिश करो, फास्ट करो। मैं एक मिनट में कम से कम मान के चलो 50 पुशअप मार देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 40-42 होने के बाद वो स्लो डाउन हो ही जाता है, ठीक है। अभी सपाटा करते हैं, देखना डिफरेंट टाइप ऑफ सपाटा करूँगा, जो पहलवान लोग ही नहीं करते ना, वो भी मैं करके दिखाऊँगा। पहले स्वेटर को उतार देते हैं, ठीक है, और जिनके फुल वीडियो में 16:9 के लैंडस्केप वीडियो नहीं होंगे, उनको पोर्ट्रेट मोड में 9:16 का 9:16 का शॉर्ट क्लिप डाल दूँगा, ठीक है। इंक्लाइन पुशअप करने का तरीका बता दिया है, अभी करते हैं सपाटा। स्वेटर उतार देते हैं, स्वेटर उतार के सपाटा मारने में आसानी होएगा। अपने सर को, कान को और पाम को, इन तीन पार्ट को कम से कम ठंड से बचाओ, ठीक है, इन तीनों में ठंड ही ज़्यादा लगता है और यहीं से ठंड की शुरुआत होती है। और रात में सोने से पहले सरसों तेल बॉडी में रब करो, इसीलिए मेरे रोए नहीं उठते। जा दुश्मन कै भी तोड़ी दू जब मुछा कै मरोड़ी एक खड़ी से काली थार दूजी बंदरी चिट्टी घोड़ी जा दुश्मन कै भी तोड़ी दू जब मुछा कै मरोड़ी एक खड़ी से काली थार दूजी बंदरी चिट्टी घोड़ी हूं रीस करेगा दुनिया मर ठाठ पाठ की हूं रीस करेगा दुनिया मैं मर ठाठ पाठ की ये अलग अलग सपाटा जो पहलवान लोग भी नहीं मारते होंगे, ठीक है, अलग अलग सपाटा मारा है। नॉर्मल वैसे खड़ा होके फ्लाई करके सपाटा बहुत लोग मारता है,
मगर मेरा है जितना इंटेंस हो सके उतना इंटेंस वर्कआउट। फोरआर्म्स दिख रहा है, मसल, ये देखो चेस्ट, सी, शर्ट उतार के भी दिखाएंगे। चेस्ट पैड हटाने के लिए डंड भी मार सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सपाटा था, डंड में आपको ऐसे जाना रहता है, वो भी दो तरीके से मार सकते हैं, या तो पैसे मार के वापस ऐसे आ जाओ, या पैसे मार के ऊपर होके फिर वापस मारो, जैसे एक ऐसे है एक ऐसे, ठीक है, फिर ऊपर गए फिर ऐसे, ठीक है। ये एक तरह का डंड हुआ, एक आप मार सकते हो, मान लो कि पोटेंशियल ज़्यादा है तो आप ऐसे जाओ यहाँ से, फिर उसके बाद वापस बैक, ये हाथ हमेशा अंदर की तरफ होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप का सपाटा हो गया कंप्लीट, ठीक है, और आप लोगों को मैं वो वीडियो डाल दूँगा, या ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, एडिट करके डालूँगा। डिफरेंट टाइप का सपाटा मारता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि पहलवान लोग भी नहीं मारते होंगे, वो लोग भी मारते हैं, फ्लाई सपाटा, जंप सपाटा, नॉर्मल सपाटा, मगर मैं वो सब करता हूँ। और मैं एक बार ये 150 हार्ट चैलेंज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि आज 150 अनाउंस कर दिया है, उसके बाद फिर कैलिस्थेनिक करेंगे और वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। पसीना देख रहे हो कितना निकल गया है, ये देखो, पूरा नहीं खोलूँगा, ठंड लगने का डर है, ठीक है। पानी पीते रहो, और वॉशरूम जाना हो तो टॉयलेट को ज़्यादा देर मत रोको, क्योंकि जो ज़्यादा टॉयलेट रोकने से आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए अगर टॉयलेट लगे जगह देख के कर डालो। लघु शंका, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, बड़े वाले को दीर्घ शंका और छोटे वाले को लघु शंका बोलते हैं, ठीक है। तीन चार एक्सरसाइज दिखा दिए, इंक्लाइन पुशअप चेस्ट लाइन के बराबर बता दिया, जितना हो सके उतना मारो, नॉर्मल पुशअप मारो, रनिंग करो, ठीक है, जितना हो सके, और क्या बोलते हैं, सपाटा मारो, जितना ज़्यादा सपाटा हो सके उतना ज़्यादा मार सको, उतना अपने कैपेबिलिटी के ऊपर, ये नहीं कि अगर मैं 100 मारता हूँ सपाटा तो आप भी 100 मारो, अभी ऑलरेडी बहुत मार लिया है। जिन लोगों को लगता है कि मैं ठंड में ऐसे कैसे बैठ जाता हूँ, उनको बता दूँ, मैं रात में बॉडी में सरसों तेल लगा लेता हूँ, गर्म सरसों तेल, उससे होता ये है कि सारे पोर ढक जाते हैं और ठंडा हवा बहता भी है तो मेरे स्किन को टच नहीं कर पाता है, करता है क्योंकि हर जगह तो आप नहीं लगा सकते तेल, लेकिन जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करता है, इसलिए मेरे रोएं नहीं उठते हैं, देखो मेरे रोएं नहीं उठते, ठीक है। और अभी बस स्प्रिंट मारेंगे, हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। देखो मैं आपको फिर से 5 एक्सरसाइज बता देता हूँ, इंक्लाइन पुशअप जितना हो सके, नॉर्मल पुशअप, डिफरेंट टाइप सपाटा 3 हो गए, चौथा रनिंग, ठीक है, 5वां स्प्रिंटिंग, ये 5 एक्सरसाइज काफ़ी है, और एक और छठा जो है उसमें डंबल लेके ऐसे उठाने बोला है वो, ठीक है। और 60% आपका डाइट है, 40% आपके एक्सरसाइजेज है। लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करने से हो जाता है, नहीं मेरे भाई, एक्सरसाइज करोगे जाके फिर समोसा, चाट पापड़ी, जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन खाओगे तो कहाँ से होएगा, ठीक है। हफ्ते में एक दिन खा भी लो थोड़ा सा, लेकिन रेगुलर खाने वालों का नहीं हो सकता है, बिना पेन के कहाँ से होता है, नो पेन नो गेन। कमेंट में जय शिशंभू कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अभी स्प्रिंट करते हैं, चलते हैं घर, और ये वीडियो, और गर्म पानी पीते रहो, तुलसी पत्ता डाल के गर्म पानी उबाल कर पियो, ठीक है, आपके बॉडी टोन्ड होंगे। और जिनको मेरा फिजिक देखना है, मेरा फिजिक कितना हार्ड टोन्ड है, तो ये जो 90th डे का वीडियो होगा, शॉर्ट, उस पर मेरे सेल्फी डाले हुए होंगे, क्योंकि मैं सेल्फी भी डाल रहा हूँ, अखबार भी पढ़ रहा हूँ, आर्ट्स हिस्ट्री
ये सब पढ़ता हूँ ठीक है, थोड़े थोड़े ग्रंथ भी पढ़ता हूँ, लेकिन सबको एडिट में डाल पाना बड़ा मुश्किल है। डाल मैं दूँ लेकिन सब देखो तब ना। अभी कुछ दिनों से मैं जहाँ 45-50 सेकंड का बनाता था, अब मैं 59 सेकंड 60 सेकंड तक जा रहा हूँ ठीक है। तो ठीक है, स्प्रिंट करते हैं और घर चलते हैं। एंड दिस वीडियो विल बी कंटिन्यूड 91st टुमारो। अभी ब्लैक फेज आएगा स्प्रिंट करने के बाद, उसके बाद फिर 91st डे शुरू हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जय शिव शंभू लिख दो, ये सारी ताकत शंभू की निशानी है। और जो लोग कुंडली योग नहीं करते शिव के, वो लोग कुंडली योग करो ठीक है। ये हम लोग आ गए घर ठीक है, और अभी ना नॉर्मल पानी पियेंगे ठीक है, थोड़ा सा इसको बैठ, और पानी बैठ के पियो, मैं कभी कभी खड़ा होकर पीता हूँ लेकिन बैठ के पियो। हेलो, बैक टू द वीडियो ठीक है। नॉर्मल पानी पीने के बाद ना ठीक है, नॉर्मल पानी जब पी लो ठीक है, उसके बाद आप कोशिश करो कि कुछ देर 5 मिनट रोक के ठीक है, उसके बाद आप गर्म पानी पियो। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि आते आते ही गर्म पानी पी लेते हैं, सर्द गर्म ये हो जाता है। आप सर्दी में एक्सरसाइज किए फिर आप गर्म पानी पिए तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है ठीक है। अभी देखो ये तुलसी पत्ता मैंने तोड़ के रख दिया है ठीक है, अब इसको पानी में गर्म करेंगे, वेट कम से कम 2 ग्लास पानी गर्म करेंगे। दो ग्लास पानी गर्म करेंगे ठीक है, कम से कम भाई इतना वर्कआउट किया तो कम से कम 350-400 ml पानी पीना तो बनता है। कम से कम 5-6 पत्ते ठीक है तुलसी के, इसको चाहो तो हल्का हल्का बीच से फाड़ सकते ताकि इसका रस बाहर निकल जाए। जैसे देखो ये हुआ ठीक है, ये हुआ ठीक है, इसको फाड़ के इसमें डाल देने का ठीक है। तो ये 90th डे का आज इतना ही है ठीक है। अब आपको आज का पूरा रूटीन देखना है तो आप जाके शॉर्ट देखो 90th डे का, उस पर मेरी सेल्फी भी डाल, सॉरी शॉर्ट देखना 90th डे का जब मैं वीडियो डाल दूँगा कल ठीक है। और ये वीडियो अभी कंटिन्यू है लेकिन शूटिंग अब कल होगी 91st डे की ठीक है। यहाँ ब्लैक एथी आएगा जो मैंने पार्क में बोला था, और उसके बाद अब जाओगे ठीक है। चेस्ट वर्कआउट के सारे बता दिए हैं, गर्म पानी भी पियेंगे, बॉडी टोंड होएगा ठीक है। और आप लोगों से कहना है कि बॉडी वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें ठीक है। अब ये वीडियो कल कंटिन्यू होगी, अब बाकी का आज दिन का और रात का शॉर्ट में आपको अगले दिन मिलेगा ठीक है। बाय बाय, और अभी ब्लैक होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे 91st डे शुरू होगा। वेट टिल दैट। जय शिव शंभू। अभी बाल है गीले ठीक है, आज के 91st डे पे आपका स्वागत है। कल मैंने इसी टाइम पे छोड़ा था ठीक है, लगभग अपने घड़ी में देखोगे आप मेरे तो, एक सीधा करके दिखा दूँ 11:50 हो रहा है, कल इसी टाइम के आसपास लगभग छोड़ा था ठीक है। जिन लोगों ने कमेंट नहीं लिखा है प्लीज़ कमेंट कर दो जय शिव शंभू ठीक है। 91st डे का जो शॉट है वो आपको अगले दिन 92nd डे के सुबह में मिल जाएगा ठीक है। मैं जो भी वर्कआउट पूरे दिन करता हूँ वो अगले दिन सुबह में आता है ठीक है, और अगले दिन दूसरा दिन शुरू होता है ठीक है। तो वेलकम टू माई चैनल। और ये टी शर्ट याद है खबीब नर्मागोव का, अभी जाएंगे सूट वूट पहन के बाहर ठीक है, और बाहर ब्लॉगिंग करेंगे ठीक है, बाहर मिलते हैं। बाय गुरु। हेलो, हम लोग आ चुके हैं अब मार्केट में अशोक भाई से मिलने, और देख के बताओ कैसा लग रहा है, कमेंट कर देना ठीक है।
और वो देखो अशोक भाई आ गए, मैं दिखा रहा हूँ वहाँ दूर अशोक भाई खड़े हैं दूर, रुको चलो नज़दीक दिखाते हैं। ये हमारे अशोक भाई है, आज ब्लॉगिंग करने का मूड में है। इज माय बिग ब्रदर, वेरी गुड। ये है यादव जी, हम है पंडित जी, दोनों भाई भाई, और इनको कोई कुछ कर देना तो उसकी माँ की बहुत आरती उतारेंगे। ठीक है भैया, एक सेल्फी भी हो जाए, आज हम बहुत खुश हैं। अरे भोसड़ी के रुक जाइए, ऐसे ना रहेगा ही। तो ये है अशोक भाई, इन्होंने बहुत मदद किया है, और यही भाई जी बोलते हैं कि हमको 150 जाना है। अरे भैया 75 दिन में अपनी हालत ख़राब हो गई है, देख रहे हैं। ठीक है भाई, हम लोग घूमने जा रहे हैं, बाद में वीडियो के बाद आप लोग कमेंट कर देना। हेलो, अपने घर आ चुके हैं, ठीक है, कपड़े बदल लिए, रजाई के अंदर, और यहाँ पे चूड़ा दही निकल चुका है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, ये वीडियो आज 91st डे, आज ही शाम में 4 बजे के आसपास अपलोड कर देंगे। ठीक है, कल का वीडियो 90th डे का और आज 91st डे का वीडियो एक साथ मर्ज करके और आज एक ब्लॉग पूरा अच्छा सा बनाकर आज अपलोड करेंगे। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में जय शिव शंभू लिख दो। ठीक है, और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें 150 डेज का 3-4 कमेंट आए, बहुत सारे का 3-4 भी कम नहीं अपने लिए, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर कम है। तो हम लोग 150 डेज के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये आ गई अपनी सब्जी, तो मकर संक्रांति की बहुत बधाई, और देख लो सब्जी है, चूड़ा दही है, और चूड़ा दही में अभी नमक, हल्का नमक डालेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने 75 चैनल के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कृपया रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, और ब्लॉग 1 और ब्लॉग 2 देख लेना, जो हफ्ते भर पहले था, 2001 रुपीज़ है। ठीक है, अब सामने जाएंगे, देखते हैं सामने अगर मन किया तो इस वीडियो में ऐड करेंगे, वरना नहीं ऐड करेंगे। बाय बाय, गुड बाय।